हाय गाइस, दिस इज वीवू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंडिया रेव्स। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टाटा टियागो के बारे में। मैंने लगभग जो है वो सारी गाड़ियां कवर कर ली हैं टाटा के द्वारा दी गई, उनका ओवरव्यू दे चुका हूं, उनका रिव्यू दे चुका हूं, एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर अभी टाटा को खुद भी इम्प्रूव करना है, बट वो किसी और दिन बात करेंगे। आज हम फिलहाल जो है वो XT वेरिएंट का ओवरव्यू करने वाले हैं। XT वेरिएंट को जानेंगे, देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं और ये क्यों एक वर्थ बाय ऑप्शन बन जाते हैं उन लोगों के लिए जो एक्चुअली एंट्री लेवल हैचबैक्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर मिड लेवल हैचबैक के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसके बेस वेरिएंट तक का ही उनके पास में पैसा है। ये गाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको ज़रा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन केस आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि आई एम रनिंग अ रॉयल्टी प्रोग्राम फॉर यू गाइस, तो इन केस आप जो है वो टाटा या टाटा से रिलेटेड या कोई भी मैन्युफैक्चरर की कोई भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, दिल्ली NCR से बिलोंग करते हैं, तब जाके आप नीचे जो है वो मेरे गूगल फॉर्म को भर सकते हो। नीचे दिया गया है एक गूगल फॉर्म, ना सिर्फ आपको मिलेगी बेहतरीन डील बट आपको क्विकेस्ट डिलीवरी का भी यहाँ पर एश्योरेंस देता हूँ मैं। सो आप अगर इन केस चाहते हैं कि आपकी गाड़ी या आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा या काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा किसी भी गाड़ी को लेके, आप नीचे दोबारा से गूगल फॉर्म भर सकते हैं, मैं आपको आपकी गाड़ी जो है यहाँ पर फीचर करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चलते हैं स्ट्रेट अवे इसके इम्पैक्ट टू डिज़ाइन फिलोसफी को जानते हैं। उससे पहले एक छोटा सा मैं कन्वर्सेशन कर लेता हूँ आपके साथ में कि जब आप टाटा टियागो को देखते हो ना तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये एंट्री लेवल हैचबैक की कैटेगरी में आने वाली गाड़ी है, थोड़ा सा लगेगा कि शायद मिड लेवल हैचबैक के तरीके से इसको बनाया गया है। रीज़न, ये कम्पीट करती है वैगनार के साथ में, सेंट्रो के साथ में, और कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पर इंट्रोड्यूस, सिलेरियो के साथ में, ऐसी गाड़ियों के साथ में ये कम्पीट करती है। रेडी गो एक्चुअली जो लास्ट ईयर दोबारा फेसलिफ्ट हुई थी उन जैसी गाड़ियों के साथ में कम्पीट करती है। बट द रियल थिंग इज़ ये, इसको देख के आपको ये लगेगा कि आप स्विफ्ट जैसी गाड़ियाँ या फिर मिड लेवल हैचबैक जैसे कि फिगो हो गई या ग्रैंड आइटन नियोस हो गई या फिर आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो इग्निस को, इन गाड़ियों के साथ कम्पीट करते हुए नज़र आती है जब आप इसके साइज़ को देखते हो, जब आप इसके देखते हो कि किस तरीके से बनाई गई है, किस तरीके की डिज़ाइन है, तो वो आपको कहीं ना कहीं एक स्टेप अहेड लगेगी या फिर अपने सेगमेंट से थोड़ा सा अबव लगेगी। नॉट प्रॉपर एक स्टेप अबव नहीं है, सेगमेंट अबव नहीं है, बट हाँ ये लगेगा कहीं ना कहीं जो मिड लेवल और हैचबैक और छोटा जो है उसके बीच में कहीं ना कहीं प्लेस की गई है। एनीवे, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि हाँ इसकी प्लेसिंग काफ़ी स्वीट स्पॉट पर की गई है जहाँ पर एक्चुअली बहुत सारी गाड़ियाँ इसको कम्पीट करेंगी, ना कि वैगनार से लेके टिल इसके प्रीमियम वर्जन की यानी कि एल्ट्रोस की। चलो इम्पैक्ट टू डिज़ाइन फिलोसफी भी बेस्ड इस डिज़ाइन को देखते हैं। एंड ये जो इम्पैक्ट टू फिलोसफी का डिज़ाइन है, यहाँ पर कम्प्लीटली ब्लैकआउट की गई है इसकी हेडलाइट यूनिट, ऊपर वाला पोर्शन हेडलाइट यूनिट जो है वो ब्लैकआउट की गई है। आप इसके टर्न इंडिकेटर को भी यहाँ पे देखते हो, वो भी ब्लैकआउट किया गया है। यहाँ पर क्रोम की फिनिशिंग दी गई है गाइस, ये काफ़ी अच्छी लग रही है और ये बिल्कुल एल्ट्रोस की तरह है, बट स्टिल देर आर सम प्लेसेस जहाँ पर फिट एंड फिनिश की अभी भी ज़रूरत है। जैसे कि मैं इस पोर्शन को हाईलाइट करना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपरली फिटेड नहीं है, और आप यहाँ पे देखोगे जो इसका डिज़ाइन है हेडलाइट यूनिट का वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, आपको हेलोजन ही मिलती है, अगर आप कोई भी वेरिएंट खरीद लो आपको हेलोजन यूनिट ही मिलेगी। थोड़ा सा अगर आप नीचे चलोगे तो यहाँ पर फॉग लैम्प की हाउसिंग है, एंड ये वाला पोर्शन जो है वो ब्लैकआउट किया गया है। फॉग लैम्प यूनिट इसके टॉप ट्रिम्स में आता है, ये टोइंग हुक आपको यहाँ पर देखने को नजर आएगा, और यहाँ पर जो है वो डुअल टोन ट्रीटमेंट दी गई है, अभी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो है वो टाटा की सिग्नेचर ग्रिल आपको देखने को नजर आएगी जो एरो के साथ में इंस्पायर्ड है, पूरा हनीकॉम स्ट्रक्चर देखने को नजर आता है, काफ़ी अच्छी लगती है। ऊपर भी आपको कैरेक्टर लाइंस देखती यहाँ पर जो है वो कैरेक्टर लाइंस देखने को नजर आएगी। ये वाला पोर्शन प्लास्टिक का रखा गया है तो ये एक एलिमेंट जो है वो एक्स्ट्रा टच यहाँ पर मिल जाता है। वाइपर के सेट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो थोड़ा सा साइड प्रोफाइल में चलता हूँ मैं, और साइड प्रोफाइल में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी हाइट दी गई है, डायमेंशंस भी इस गाड़ी के जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, और यहाँ पर ORVM जो है वो टर्न इंडिकेटर के साथ में दिया गया है। फेंडर पे जो है वो कोई भी टर्न इंडिकेटर नहीं दिया गया है, तो ORVM के अंदर ही आपको टर्न इंडिकेटर देखने को नज़र आएगा। थोड़ा अगर नीचे चलूँगा तो टायर आप देखोगे कि ये गुडियर के टायर हैं, काफ़ी सही डिज़ाइन है। 175 प्रोफाइल इनकी दी गई है जो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है। 175/65 रेडियल 14 इंचेस के टायर्स हैं। अगर आप देखोगे वैगनार के तो वो 155/165 इन प्रोफाइल्स के साथ में आती है। अंदर जो है वो प्लास्टिक भी यूज़ की गई है, और आप देखोगे कि मैकफर्सन स्ट्रट यहाँ पर यूज़ किया गया है। आपको जो है वो व्हील कैप भी यहाँ पर देखने को नज़र आएगी। थोड़ा चलते हैं साइड प्रोफाइल में, और यहाँ पर विंडो एरिया अगर आप देखोगे, ग्लास एरिया अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। मतलब मुझे कमी इसमें नज़र नहीं आ रही कि कोई भी ऐसी कमी मैं हार्ड निकाल दूँ। ब्लैकआउट अगर कर दिया होता बी पिलर तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, बट एनीवे
यहाँ पर ग्रैब रील्स अगर आप देखोगे वो भी बॉडी कलर्ड ही है, नीचे कोई भी प्लास्टिक क्लैडिंग आपको देखने को नज़र नहीं आएगी। ये एक्सटी ट्रिम है तो आपको यू नो पीछे खरीदनी पड़ेगी जितनी भी एसेसरीज है। थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलता हूँ आपको गाड़ी के और यहाँ से गाड़ी को दिखाता हूँ कि कैसी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको देखने को नज़र आएगी, एक ब्लैक एलिमेंट आपको यहाँ पर एड ऑन नज़र आएगा और यहाँ पर जो है वो आपको टेल लैम्प नज़र आएगी। जो स्प्लिटेबल नहीं है, कम्प्लीट एक यूनिट है। पीछे वाला नीचे वाला पोर्शन जो है वो आपको ब्रेक लैंप, ऊपर वाला टर्न इंडिकेटर एंड ये वाला जो है वो रिवर्स का देखने को नज़र आएगा। टाटा टियागो की बैजिंग यहाँ पर एंड टाटा की बैजिंग यहाँ पे आपको देखने को नज़र आएगी, काफ़ी अच्छी लग रही है। और दो आपको जो है वो यहाँ पे पार्किंग सेंसर देखने को नज़र आते हैं। नीचे भी अगर आप चलोगे तो ब्लैक एलिमेंट दिया गया है नंबर प्लेट के पास में। एंड यहाँ पर जो है वो बूट एक्सेस करने के लिए कोई ऐसा रिक्वेस्ट बटन नहीं दिया गया। अगर मैं इसकी बूट दिखाऊं तो काफ़ी सफिशिएंट बूट है, बट मेरे को यहाँ से ऑन करनी पड़ेगी ये। तो पहले मैं यहाँ से इसको वो कर देता हूँ एंड मुझे यहाँ से बूट इस तरीके से एक्सेस करना पड़ेगा। सो देर आर नो रिक्वेस्ट बटन है जिसकी वजह से आप बूट एक्सेस कर सको। और आपकी की फॉब पर भी कोई ऐसा बटन नहीं दिया गया है जिससे आप बूट का कोई अलग से फिजिकल बटन हो, ऐसा कोई बटन नहीं है। एनीवे यहाँ पर चलते हैं इंटीरियर्स में, ज़रा आप देखिए कुछ इस तरीके का बूट स्पेस आपको यहाँ पर देखने को नज़र आएगा। दोनों तरफ ही जो है वो 3 kg का आपको हुक नज़र आएगा जहाँ पर आप इजीली माउंट कर सकते हो अपनी चीज़ें। स्प्लिटेबल जो है वो आपको सीट्स नज़र नहीं आने वाली, कोई भी ऐसा नहीं है कि 60-40 में स्प्लिट होती हूँ। आपको अच्छा खासा लोडिंग लिप मिलती है, बट ठीक है इट इज़ अ हैचबैक और हैचबैक्स में आप अक्सर जो है वो लोडिंग लिप देखते हैं। ऊपर देखिए यहाँ पर ग्रैब रेल दिया गया है, ये वाला पोर्शन भी जो कवर किया गया ताकि सारी केबल्स जो हैं वो ईजिली हाइड हो जाएं। चलते हैं इंटीरियर्स और इंटीरियर ज़रा चेक करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डुअल टोन सेक्शन है और यहाँ पर डुअल टोन सेक्शन है, ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे, नीचे बॉटल होल्डर एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं आप रख सकते हो ईजिली। स्पीकर का सेट आपको यहाँ पर देखने को नज़र आएगा, ORVM के कंट्रोल्स आपको इस सेक्शन पे देखने को नज़र आएंगे। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको ABC पेडल्स देखने को नज़र आएंगे, साथ ही एक जो है वो आपको डेड पेडल भी देखने को नज़र आएगा। तो ये चीज़ भी है, मैनुअल है, छोटा वेरिएंट है, फिर भी यू आर गेटिंग अ डेड पेडल। यहाँ पे एक यू नो स्पेस दी गई है, यूटिलिटी स्पेस दी गई है। अब थोड़ा इंटीरियर चेकआउट करवाता हूँ आपको दूसरे वाले व्यू से, तो ज़रा उस तरफ से आते हैं। करते हैं गाइस यहाँ से इंग्रेस, और जैसे ही मैं इंग्रेस करूँगा ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगा। ये जो है वो कन्वेंशनल स्टेयरिंग व्हील है जो टाटा अक्सर अपनी गाड़ियों में यूज़ करता है, टाटा एल्ट्रोज हो, टाटा नेक्सॉन हो, टाटा टियागो हो, टाटा टिगोर हो, लगभग 4 गाड़ियों में वो इसको यूज़ करता है। एंड इट गेट्स द सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो आप जो है वो नेक्सॉन में देखते हो। तो फिलहाल अगर मैं इसकी चाबी लगा के दिखाऊँ आपको तो किस तरीके से वेलकम करता है वो ज़रा देखते हैं। फ्लिपेबल की फॉब है इसके अंदर, कुछ इस तरीके से फ्लिप हो जाती है ये, और जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है वो वेलकम करती है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो बीच में डिजिटल, लेफ्ट साइड में डिजिटल, राइट साइड में डिजिटल, ये कंप्लीट डिजिटल है। डिजिटल स्पीडोमीटर मिलेगा, डिजिटल टैकोमीटर, एंड राइट साइड में आपको फ्यूल गॉज एंड टेम्परेचर गॉज देखने को नज़र आएगा। जितने भी डैशबोर्ड के सिंबल्स हैं वो बीच में ही दिए गए हैं। ये स्टेयरिंग व्हील जो है उसके ऊपर कंट्रोल्स आते हैं लेफ्ट साइड में। ये बहुत अमेजिंग चीज़ है कि आप XT वेरिएंट खरीद रहे हो और तब भी आपको जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये बेसिकली XE, XM एंड देन XT आता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हार्मन कार्डन का आपको सिस्टम मिलता है, बट ये जो सिस्टम है वो टच स्क्रीन सिस्टम जैसा है, बट ये 2-in सिस्टम ही आप इसको कंसिडर कर सकते हो। आपके पास में यहाँ से यहाँ पर बहुत सारे बटन हैं, वेटिंग फॉर ब्लूटूथ या फिर वॉल्यूम प्लस माइनस, ये सब चीज़ें हैं जो आप यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हो। यहाँ के बटन जो हैं वो गायब है क्योंकि वो टॉप ट्रिम के लिए रिजर्व्ड हैं। यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को नज़र आएगा, ये डिफॉगर यूनिट आपको नज़र आने वाली है, 12 वोल्ट का DC सप्लाई, USB एंड ये प्लेस आप यहाँ पर देखोगे दी गई है। थोड़ा सा यहाँ पर भी अगर आप देखो तो कैन होल्डर आपको यहाँ देखने को नज़र आएंगे, एंड कैविटी काफ़ी अच्छी दी गई है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर भी, अगर डैशबोर्ड की यहाँ पर ज़रा बात करूँ तो ये भी काफ़ी अच्छी लगती है, नर्लिंग की गई है ऊपर जो है वो आप देखोगे कि यहाँ पर सामान आप इजीली रख सकते हो। ग्लव बॉक्स ज़रा चेकआउट करते हैं, ये भी पॉप डाउन है जैसे कि आप नेक्सॉन में देखते हो और एल्ट्रोज में देखते हो, तो कुछ इस तरीके का ग्लव बॉक्स है, काफ़ी प्रैक्टिकल ग्लव बॉक्स है। ऊपर भी एक फिजिकल ट्रे दी गई है ताकि आप सामान यहाँ पर जो है वो ईजिली एडजस्ट कर सकें, रख सकें। और फिलहाल इसको करते हैं बंद, IRVM कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे जो है वो आपको मिलती है एक कार्ड होल्डर, माइक की पोजीशनिंग यहाँ पर,
एंड आई गेस यहाँ पर आपको ना कार्ड होल्डर मिलता है, ना कोई वैनिटे मिरर मिलता है। ये सीट्स की ज़रा मैं बात कर लूँ, दीज आर वेरी कुशनी सीट्स। देखो टाटा की सीट्स मुझे अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कुशनी लगती हैं, फोमी लगती हैं, तो आपको लॉन्ग ड्राइव में कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, दिस इज़ फॉर वेरी श्योर। और बाकी तो लेग रूम हो, हेड रूम हो, मुझे उससे कभी भी शिकायत कोई एक्चुअली नहीं रही है। पीछे चलते हैं रियर रो में ज़रा चेकआउट करते हैं कि कितना स्पेस एक्चुअली यहाँ दिया गया है। देयर वी गो, अगर यहाँ से मैं इंग्रेस करूँ तो कुछ इस तरीके का इंग्रेस है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ क्वाइट नाइस, एडिक्वेट हेड रूम, लेग रूम, तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छा खासा अंडर थाई सपोर्ट मुझे मिल जाता है, और लेग रूम जो है वो एडिक्वेट है, मुझे समस्या नहीं होती। यहाँ पर जो है वो हेड रूम भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 फुट 10 इंच का हूँ तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी सही है। यहाँ पर आपको जो है वो एक ग्रैब हैंडल मिलता है, लेकिन कोट हुक नहीं है। ये जो हेड रेस्टेंस है ये मेरे लिए यूजलेस है, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे करके तो इन्हें यूज़ नहीं करने वाला। हाँ, हो सकता है कि मैं कभी लॉन्ग ड्राइव पर हूँ और 400-500 किलोमीटर चलना हो, तब मैं उनको इस तरीके से यूज़ कर लूँ, बट ठीक है, ये छोटी हाइट वालों के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। शोल्डर रूम इज़ क्वाइट इनफ फॉर 2 पीपल, दो लोग से ज़्यादा अगर बैठोगे तो काफ़ी घिचपिच हो जाएगी गाड़ी के अंदर। अच्छी चीज़ ये है कि शेयरेबल आपको जो है वो LED रीडिंग लैंप्स मिलते हैं, जो आप फ्रंट और रियर दोनों ही रो में शेयर कर सकते हो। केबिन की बात हो, येस इट इज़ रूमी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप अगर ख़रीद रहे हो वैगनार, आप ख़रीद रहे हो सिलेरियो, आई वुड से कि बेटर जस्ट गो फॉर दिस कार। सो गाइज, ये तो थी टाटा टियागो XT वेरिएंट। आप और सारे वेरिएंट्स भी जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं आपके लिए अरेंज कर सकूं गाड़ी। और कौन सा ट्रिम आप यहाँ देखने जाते हो नीचे ज़रूर बताना। जल्दी से इसका ड्राइव रिव्यू भी लेके आने वाला हूं मैं, और इन केस आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे अमेजिंग अपडेट्स, ऐसे अमेजिंग रिव्यूज़, ऐसे अमेजिंग ऑटोमोबाइल कंटेंट आप तक जो है वो पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ में, अंडर फॉर द नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइस।